प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक यानी कि दशमलव का गुना। दशमलव का गुना हम कैसे बनाते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, इसका ए टू जेड आपको प्रोसेस हम बताएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, बस अभी तक अगर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि यानी कि दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं, ठीक है। दशमलव का गुना का मेरा सबसे पहला यानी कि दशमलव का गुना का हमारा सबसे पहला जानेंगे कि एग्जाम्पल किस टाइप का होता है और कैसे पूछा जाता है। तो दशमलव का गुना इस प्रकार से आपको एक इस प्रकार से कहीं भी दिया रहेगा और एक चार नंबर आपको एग्जाम्पल जो दिख रहा है इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है। यह दोनों प्रकार यह दशमलव का गुना इससे अलग हट करके कोई भी दशमलव का गुना होता ही नहीं है। तो इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे बनाते हैं या दोनों का प्रोसेस अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि यह गुना को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ई दशमलव को गुना को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस साधारण गुना की तरह आप गुना करते चले जाइए। पहले क्या है, आठ चौका 32 के 2 हासिल 3, 9 चौका 36 और हासिल 3, 36 और 3 39, फिर 6 चौका 24 और 3, 24 और 3 27 के 7 हासिल यानी कि 2, ठीक है। फिर 4 चौका 16 और 2 18 के 8 हासिल 1, 8 चौका 32 और 32 और 1 33, फिर कितना हो जाएगा 8 चौका 32 एक 33 के 3 हासिल 3 हुआ है, फिर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, फिर 9 चौका 36 36 और 2 38 यानी कि 38 हो गया। अब ऊपर में हम कुछ नहीं देखेंगे, अभी कोई दशमलव का कुछ काम नहीं करेंगे। अब पहले इस गुना को कर लेते हैं। तो गुना को हम कैसे करेंगे, 8 छक 48 के 8 यानी कि हासिल कितना हो जाएगा 4, और फिर कितना हो जाएगा 9 छक 54 चौवन चार 58 के 8, फिर हासिल 5 हो जाएगा, फिर 6 1 36 5 41 के 1 हासिल 4 हो जाएगा, फिर 6 चौका 24 24 4 यानी कि 28 के 8 हासिल 2, फिर कितना हो जाएगा 8 छक 48 48 और 2 50 के 0 यानी कि 50 के 0 और हासिल 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यानी कि 6 1 36 36 और 5 41 के 1 हासिल यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 9 छक 54 54 4 यानी कि 58 हो जाएगा, ठीक है। 54 4 कितना हो गया 58। अब इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे जो साधारण गुना की तरह करते हैं उस साधारण गुना की तरह इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, 9 8 17 के 7 होता है वो भी यहाँ पे लिख देंगे, 8 7 15 15 और इसका एक हासिल हो जाएगा 16 के 6 ये भी लिख देंगे, 8 1 9 इसका एक हासिल 10 के 0 हासिल 1 इसका भी हो जाएगा, 8 3 11 1 12 12 का 2 यहाँ पे लिख देंगे एक हासिल हो जाएगा, 7 में 0 जुटेगा तो 7 रहेगा लेकिन एक हासिल रहेगा तो 8 हो गया, ठीक है। 8 1 कितना हो जाता है 9, इसमें 8 में हासिल नहीं होता इसीलिए सिंपल 9 लिखा गया, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 1 कितना हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो गया, यह मेरा दशमलव का गुना नहीं, यह मेरा सिंपल गुना बन गया है। अब दशमलव का गुना इसमें कैसे ऐड करते हैं, तो उसको ऊपर में सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो 1 2 3 दशमलव कितने अंक के बाद है, 3 अंक से यानी कि दाएं से कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव है। 1 2 3 ऊपर में 3 अंक है और नीचे में अब देखेंगे नीचे में 1 अंक है, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया यानी कि 4 अंक बाद दशमलव हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के हमको कितने अंक बाद दशमलव पूर रहा है, ऊपर 3 और 1 नीचे 3 और 1 मिलाकर के कितना हो गया 4 अंक बाद। तो यहाँ पर उतना अंक को हम गिनेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ पर हम 4 अंक बाद हम यहाँ पर आकर के हम दशमलव दे देंगे। यह मेरा क्या आ गया, यह जो आया सो मेरा यह आंसर हो गया, ठीक है। यह मेरा आया सो क्या हुआ यानी कि आंसर हो गया। इसी प्रकार यह गुना को भी हमको करना है, यदि इस टाइप से हमको लंबा दिख जाए तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले तो यहाँ पर रो में उतार देंगे 8 6 9 4 यानी कि 8694.69। आपको हम दशमलव का जोड़ और घटाव का वीडियो में बता चुके हैं कि दशमलव से पहले वाले का दशमलव से पहले वाले को हम बोल सकते हैं कि 8694 है, लेकिन दशमलव के बाद वाले का इसको हम 69 नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे अलग से 6 और अलग से 9, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या 8694.69, ठीक है 8694.69। और नीचे में मेरा क्या है 8.96, तो नीचे भी वैसा ही लिख देंगे 8.96, ठीक है।
8.96 और इसको इसी गुना की तर्ज पर इसको भी गुना कर देंगे और जो आएगा सो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। और इसके लिए एक अलग सा टाइप यह है, इसको भी हम गुना करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है, कि यह इसका हम गुना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 9 8 72 हासिल कितना हो गया, यानी कि 7 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 8 6 48 और 7 यानी कि 55 के 5 और हासिल भी यहाँ पर 5 हो गया मेरा। फिर कितना हो जाएगा 8 5 40 8 5 40 और 5 40 5 कितना हो जाता है यानी कि 45 45 का 5 हासिल कितना हो गया यानी कि 5 हो गया। फिर कितना हो जाएगा 8 4 32 32 और 5 32 5 37 के 7 हासिल कितना हो गया 3 हो गया 37 का 7 हासिल 3। फिर कितना हो जाएगा यानी कि 8 8 64 64 और 3 64 और 3 कितना हो जाता है यानी कि 67, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 67 लिख दिया। अब मेरा इस लाइन का गुना कंप्लीट हो गया। अब सेकेंडरी यानी कि सेकेंड वाले लाइन का हम गुना करेंगे और इसका हम कुछ नहीं, हम बोले हैं ना कि यानी कि साधारण गुना की तरह केवल गुना कर देना है। तो साधारण गुना की तरह अब सेकेंड का हम गुना कैसे करेंगे, 9 चौका 36 के 6 हासिल 3। फिर कितना हो जाएगा 6 36 के 6 हासिल 3। फिर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 24 और 3 यानी कि 27 के 7 हासिल कितना हो जाएगा 2। फिर कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 2 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 22 का 2 और हासिल 2। फिर 4 चौका 16 16 और 2 यानी कि 18 18 के 8 हासिल 1। फिर कितना हो जाएगा 8 चौका 32 32 और 1 32 1 कितना हो जाएगा 33। और उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, इसको साधारण गुना की तरह केवल जोड़ देना है। क्या है 2 है तो यहाँ पर 2, फिर 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 7 5 12 1 13 13 के 3 हासिल 1, 7 2 9 इसका एक हासिल 10, ठीक है, 8 7 15 और 1 16, ठीक है, 8 7 15 1 16 6 3 9 इसका एक हासिल 10, 3 और 1 यानी कि कितना हो गया 4, ठीक है। यह मेरा हो गया यानी कि दशमलव का गुना। इसमें दशमलव का गुना, अब इसको कम्प्लीटली रूप से दशमलव का गुना कैसे हो जाएगा, ऊपर में दशमलव हमको नहीं है तो ऊपर के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में मेरा क्या दिख रहा है यानी कि 4.8 दिख रहा है यानी कि एक अंक बाद दशमलव दिख रहा है। तो यहाँ भी हम गिनेंगे और इधर से एक अंक बाद दशमलव दे देंगे और यह मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है, यह मेरा आंसर आ गया। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का आपको आंसर इस कमेंट बॉक्स में डालना है और 4 का भी, ठीक है। और एक बात हम देख रहे हैं कि यानी कि लाइक और डिसलाइक की संख्या काफ़ी कम आ रहा है, आप जरूर देखते हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छा लगा तो यानी कि डिसलाइक कर दीजिए या छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक बात, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में आप कोशिश करें कि इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें, या तो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया उसका भी बारे में आप फीडबैक जरूर दें, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।